एग्जाम्पल 13, आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है इसे। तो यहाँ पर यूजिंग द प्रॉपर्टी एंड एक्सपेंडिंग करते हुए इसकी वैल्यू निकाल दी। इससे पहले सवाल में मैंने विदाउट एक्सपेंड यानी कि एक्सपेंड नहीं किया था। अब आपको यहाँ से यूजिंग द प्रॉपर्टी लगाते हुए और एक्सपेंड करते हुए इसकी वैल्यू निकालनी है। और इससे पहले सवाल में इसको हम R1 बोलते हैं, R2 बोलते हैं और R3 बोलते हैं। तो जिस रो में या कॉलम में 1-1 बन जाता है वो सवाल आसान होता है, जिसको मैं गोल्डन रूल बोलता हूँ। यानी कि 1-1 का आना किसी भी रो या किसी भी कॉलम में गोल्डन रूल बनता है। इस रो में से यानी कि R1 में से R2 को माइनस करते हैं तो 0 मिलती है, और यहाँ पर R2 को R3 में से माइनस करने पर 0 मिलती है। दो लगातार जीरो बनाने से हमारा सवाल आसान बनता है। डेल्टा इक्वल तो चेंज लगाना होंगे, R1 माइनस R2 एंड वैसे एक चेंज एक बार लगाते हैं पर हम दो चेंज लगा लेते हैं, R2 माइनस R3। तो डेल्टा इक्वल यहाँ से क्या मिलने वाला, 0 A माइनस B, बी सी माइनस सी ए, यहाँ पर 0 B माइनस C, सी A माइनस ए बी एंड 1 सी ए बी। अब R1 यानी C3 से कॉमन बन सकता है, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा और यहाँ से कुछ कॉमन आएगा। ऐसा कॉमन लेना है जिससे A माइनस बी बन जाए और B माइनस सी बन जाए। डेल्टा इक्वल 0 0 1 A माइनस बी, बी माइनस सी, सी। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से माइनस का C कॉमन लेने पर A माइनस बी बनता है, यहाँ से माइनस का A कॉमन लेने पर B माइनस सी, और यहाँ A भी पहले से है। R1 और R2 से कॉमन है। R1 से क्या कॉमन आ रहा है, A माइनस बी, एंड R2 से क्या कॉमन आ रहा है, B माइनस सी। तो टेकिंग द कॉमन फ्रॉम R1 R2 A माइनस बी एंड B माइनस सी कॉमन आता है। तो ये बाहर ले लेंगे, A माइनस बी एंड B माइनस सी, क्या बचेगा, 0 0 1 1 1 सी माइनस सी माइनस ए ए बी। और कल एक सवाल कराया था मैंने जिसमें C1 के अलोंग एक्सपेंड करने पर A माइनस बी, बी माइनस सी, अगर आप C1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो केवल इसकी वैल्यू आने वाली, बाकी दो वैल्यू जीरो हो जानी है। इससे पहले मैंने आपको करके भी दिखाया था, 0 माइनस 0 प्लस 1 क्या लिखेंगे, बस सिर्फ ये दो 2x2 का डिटरमिनेंट बनने वाला, 1 1 माइनस सी माइनस ए। तो डेल्टा इक्वल ए माइनस बी, बी माइनस सी, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आने वाला है, माइनस ए प्लस सी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। तो ऐसे बहुत सारे सवालों का रिजल्ट ये आता है। तो गोल्डन रूल के सवाल बहुत आसान होते हैं जिनमें रो या कॉलम में 1-1 हो, तो हर यानी कि हमेशा इन्हीं चेंज को फोकस करना है।